अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नवी वीडियो तो नवी रेसिपी के नाल तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ। जी मेरी वीडियो बड़ी वधिया है, इसलिए मेरी वीडियो नूं आखिर तक वेखियो ताकि पूरी रेसिपी दा तुहानूं पता चल सके। ते अज दी रेसिपी च असीं बनावांगे कंडेंस मिल्क। जिस तरह के रमजान खत्म होने वाला तो ईद आने वाली है, तो इस ईद के उत्ते हर घर के स्वीट डिशेज बहुत बन दी, तो बहुत सारिया स्वीट डिशेज इदा दी जिन्हां च कंडेंस मिल्क इस्तेमाल होंदा वा। हुण शुरू करदे हां असीं अपनी रेसिपी। सब तो पहले असीं लिया एक पैन, पैन दे विच असीं पाया एक कप दुध दा, तो हुण मट्ठी मट्ठी अग दे उत्ते दुध नूं पकाते रहना वा, तो नाल नाल चमचा हिलाते रहना वा। इस तरह ही दुध असीं एक मिनट वास्ते पकावांगे। मट्ठी अग दे उत्ते भी दुध नूं उबाल आण दिया वा, चमचा तुसीं हिलाते रहना वा नाल नाल। इस वेले एक मिनट हो जाए दुध नूं पकदिया है, तो अद्धा कप चीनी का भी शामिल कर देना। जिस वेले चीनी शामिल कर लो तो 30 सैकेंड वास्ते पकाना वा। दुध नूं 30 सैकेंड पकाने तो बाद 3 तो 4 चुटकियां बेकिंग पाउडर दी शामिल कर देनियां। तो एक चीज़ का ख्याल रखना, जिस वेले तुसीं बेकिंग पाउडर शामिल करो तो अग बिल्कुल मट्ठी रखनी है, तो नाल नाल चमचा भी हिलाते रहना ताकि दुध दे विच गुठलियां ना बन। अग इस करके मट्ठी रखनी है, जिस वेले असीं बेकिंग पाउडर शामिल करांगे दुध दे दुध नूं नाल ही उबाल आ जांदा वा। दुध च बेकिंग पाउडर शामिल करने तो बाद 20 मिनट तक इसी तरह ही असीं पकावांगे, नाल नाल मट्ठा मट्ठा चमचा लाजमी हिलाते रहेंगे। कुछ देर दुध पकने तो बाद गाढ़ा भी हो गया, तो कलर भी इहदा चेंज हो गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुसीं बाजारों कंडेंस मिल्क लैंदे आ उसी तरह का कलर हो गया। 20 मिनट बाद कंडेंस मिल्क तैयार हो गया, चुल्हे की अग भी बंद कर देनी है। कंडेंस मिल्क वास्ते दुध नूं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हल्का जिहा पतला रखना, जदों ठंडा होना तो फिर होर ज़्यादा गाढ़ा हो जाना, तो नाल स्टिकी भी हो जाना। मैं उत्ते हल्की जी लाइन लगा के देखो, अगर लाइन वाजिया होंगी तो समय ने थोड़ा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी आ। कंडेंस मिल्क मैं एक प्याली च पा लिया, तुहानूं लग रहा होगा कि थोड़ा जहा पतला वा, लेकिन इहनूं ठंडा करने तो बाद ये थोड़ा जहा क्रीमी टैक्सचर भी देगा। कंडेंस मिल्क वाली प्याली अद्धे घंटे वास्ते मैं फ्रिज च रखती, तुसीं वेख सकते हो बड़ा क्रीमी टैक्सचर आ, बहुत ही वधिया बनिया। तुसीं भी अपने घरां च कंडेंस मिल्क इस तरीके नाल जरूर बनाना, तो मैनूं कमेंट करके जरूर दसना तुहानूं इह रेसिपी किदां दी लगी। इसे नाल ही अज्ज दी वीडियो दा करदे एंड, इंशाल्लाह नवीं वीडियो ते नवीं रेसिपी दे नाल फिर होवांगे हाज़र। उस वक्त तक इजाज़त, रब रखा।